अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे CDA ने जो इस्लामाबाद की इलीगल सोसाइटीज़ अपनी वेबसाइट पे पोस्ट की हैं उस हवाले से। और हम दोस्तों कोशिश करते हैं कि आपको RDA और CDA के हवाले से जो भी डिटेल्स हो उसको सही और बर वक्त जो है आप तक पहुंचा सकें। वही पूरी कोशिश होती है कि रियल स्टेट इंडस्ट्री के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो CDA सेक्टर के हवाले से हो, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हों या प्राइवेट हों, उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस YouTube चैनल के ऊपर अपलोड करते रहे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CDA जो है उसके जितने भी कानूनी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं प्राइवेट या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उसकी पूरी लिस्ट जो है वो हमने जारी की थी। और वो बकायदा तौर पे CDA की जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर मौजूद है। लिंक नीचे कमेंट्स के अंदर हमने मेंशन कर दिया है। और वैसे जो है वीडियो के साथ हम ये लिस्ट भी पूरी चला देंगे ताकि आप जो है वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है ये मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें तकरीबन कोई 200 से 250 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो गैर कानूनी है। तो ये सारी लिस्ट बोल के पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है। Zone 1 की ये सबसे पहले आप देख सकते हैं जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है, अब्दुल्ला टाउन है जी, S17 में अमार टाउन है, चिनार टाउन है और जंगी सजदा होम है। ये सारी लिस्ट आप पढ़ रहे हैं। तैयब गार्डन है, जमर वैली है, अवान टाउन है, कैपिटल हिल रेजिडेंसी है। ये सारी डिटेल आप पढ़ रहे हैं। आप इसको स्टॉप करके भी प्रॉपर जो है डिटेल ले सकते हैं। जो लिस्ट इस वक्त आपके सामने शो हो रही है इसकी प्रॉपर डिटेल जो है वो आप CDA की जो वेबसाइट है, उस ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर से भी आप ले सकते हैं। Zone 2 के अंदर जी ग्रीन सिटी सेक्टर D17 E17 गुलशन रहमान इस्लामाबाद कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी जमाल अकबर कॉलोनी, ये सारी डिटेल इसके ऊपर मेंशन है। Zone 3 के अंदर जी आपके सामने अली टाउन है, आर्केडिया, आर्यान, ग्रीन हिल्स, ग्रीन मेडोज, मेजर मखदूम सोसाइटी। और Zone 4 के अंदर तो बड़ी बहुत बड़ी लिस्ट जो है वो Zone 4 के अंदर है। और Zone 4 के अंदर ये आपकी तकरीबन 85 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो गैर कानूनी हैं। इसकी ये लिस्ट आपके सामने चल रही है जी, आप इसको देख सकते हैं। अब्दुल्ला गार्डन है, आदल फार्म्स हैं, अलोदा टाउन है, इसके अलावा रहमान सिटी है, अली मॉडल टाउन है, अमीर खान इनक्लेव है, बाबर इनक्लेव है, बर्मा टाउन है, और इसके अलावा कैपिटल गार्डन है, सिटी व्यू नियर निलोर इस्लामाबाद, और कॉमर्स स्काई गार्डन है, इसके अलावा डॉक्टर इनक्लेव्स है और ड्रीम लैंड है। ये सारी सोसाइटियाँ जो है वो इस वक्त आपके सामने, आप इसको स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। और हमीद टाउन है, मोज़ा मरिया, और इसके अलावा हिल व्यू हाउस, सिमली डैम रोड, इकबाल टाउन, इतफाक टाउन, और इसके अलावा जी आपका JK फार्म्स, इस्लामाबाद हाईवे, जापान वैली, इसके अलावा मदीना इनक्लेव, ये सारी सोसाइटियाँ आप जो है वो देख सकती हैं। ये 85 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो गैर कानूनी है। इसमें रॉयल एवेन्यू है, रॉयल सिटी है, रॉयल होम है, सैफ गार्डन है, समर टाउन है, सती टाउन है, सिमली वैली है, स्मॉल स्केल हाउसिंग है, और स्प्रिंग वैली है, द इनक्लेव के नाम से है, उसामा टाउन है। इसके अलावा जी Zone 5 के अंदर 30 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है जो गैर कानूनी है। और इसकी लिस्ट जो है ये सारी आपके सामने मैंने शो कर दी है। अस्क्रिया टाउन है, ऐशा टाउन है, इसके अलावा आज़म टाउन है और डाउन टाउन है। ये सारी लिस्ट आप देख सकते हैं। अच्छा, साथ साथ आप लिस्ट देखते रहे, साथ साथ एक बात जो है नोट कर लें, इनमें से हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हों जिनकी ऑन ग्राउंड मौजूद हों और उनके पास लैंड भी मौजूद हो, साइट के ऊपर डेवलपमेंट भी हो चुकी हो सकता है वहाँ पर घर भी बन चुके हों, और आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि CDA ने अगर वेबसाइट के ऊपर गैर कानूनी इसको शो कर दिया तो इसका मतलब है आप बिल्कुल लुटे गए। हाँ, अगर वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है, आपको प्लॉट का कब्जा नहीं मिला, बहुत टाइम हो गया, उसकी फाइलें चल रही हैं, फिर आपको परेशान होने की लाजमी ज़रूरत है। और लेकिन बहुत सारे ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो रजिस्ट्री इंतकाल के ऊपर जो है वो लोगों को प्रॉपर्टी दे रहे हैं और वो हाउसिंग प्रोजेक्ट ठीक होते हैं। मैं समझता हूँ वो ठीक होते हैं क्योंकि आपको प्लॉट चाहिए, बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर NOC नहीं मिलता, या कुछ ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो किसी तरीके से कुछ एक आध जो उसकी जो बाईलाज है वो पूरे नहीं कर पाते, जो RDA की तरफ से या CDA की तरफ से बाईलाज बनाए गए हैं NOC लेने के लिए वो पूरे नहीं कर सकते, बाकी वो 9-10 जो है वो पूरे कर रहे हैं, लेकिन एक जो है वो ऐसा पॉइंट है जो उनसे पूरा नहीं हो रहा, उनकी लैंड का किसी साइड से इशू है, मेन रास्ते का किसी किस्म का इशू है,
और या वहाँ पे कोई ऐसी जगह थी पुराने वक्तों के अंदर जो CDA ने जो है वो उस वक्त जो है किसी और पर्पज़ के लिए रखी थी, तो उस वजह से उसको NOC नहीं मिल रहा। हालांकि उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास लैंड भी मौजूद है, डेवलपमेंट भी हो रही है, लोगों को डिलीवर भी कर दिया है, लोग वहाँ पर घर भी बना के बैठे हुए, तो इस तरह के बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो RDA या CDA की वेबसाइट के ऊपर वो गैर कानूनी है, लेकिन साइट के ऊपर जो है वो ज़बरदस्त है। तो मोस्ट वेलकम, ये मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है ये आप जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट के भी लेना चाहेंगे आप खुद साइट के ऊपर भी जाकर ले। वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद रहा, आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए आने वाले टाइम में आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं, या आप ऐसी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छा जो है वो रेवेन्यू आए। तो और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।